बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं UNP न्यूज़ और मैं हूँ शहर बानो। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। शेख नदीम शिराज की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता शान रहमतुल्लालमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुनक्का मुकाबला जात में पंजाब लेवल पर तकरीरी मुकाबलों में ज़िला ओकाड़ा की 4 बच्चों ने पोजीशन हासिल की और डिवीजन लेवल पर 6 बच्चों ने पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स के लिए महकमा एजुकेशन और आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ओकाड़ा की तरफ से तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर अकलीती अमूर एजाज आलम ऑक्सटन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब तकसीम इनामात पर सूबाई वजीर अकलीती अमूर एजाज आलम ऑक्सटन ने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की लान पर पंजाब की तारीख में हफ्ता शान रहमतुल्लालमीन अकीदत और एहतराम से तालीमी इदारों मसाजिद चर्चिस मंदिरों में मनाकर पाकिस्तान की तमाम मजाहिब की तरफ से पैगाम दिया गया कि हम सब इकट्ठे हैं, जिससे मजाहिब को आपस में लड़वाने वालों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मजाहिब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। CO एजुकेशन सुहेल अजहर, DO सेकेंडरी चौधरी अकराम और ज़िले सदर एपका चौधरी शफकत रसूल, नायब सदर एपका सुहेल खान लोधी की तकरीब तकसीम इनामात के निकात पर मुबारकबाद दी। तकरीब में मेहमाना ने इजाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सबा असगर अली और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर फैसल शहजाद ने भी खिताब किया। तकरीब में सहाफ़ियों मुअज़्ज़ज़ीन शहर के अलावा टिकट होल्डर PTI चौधरी सलीम सादक, अब्दुल्ला ताहिर, मेहर अब्दुलसतार, शेख नदीम शिराज में दीगर खवातीनों हजरात और तुलबा कसीर तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। तेरे
अस्सलामुअलैकुम। आज की इस तकरीब में मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि ऐसी महफिल में शामिल होना भी जो है बाइस सवाब होता है, और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो थैंक यू सो मच जियो साहब भी, आप तमाम ऐप का भी। और इस मौके पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के जो नबी हैं उनका जो अख़लाक़ था वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पलरी एक उनका कैरेक्टर था जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। और ये वीक मनाने का मकसद भी यही है कि हम उनके किरदार को जिस तरीके से हो सके, बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम उनके किरदार को फॉलो करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर भी। तो उन सब की हौसला अफजाई के लिए मैं ख़ुद यहाँ पे आना चाहती थी और उनको एक मुबारकबाद देना चाहती थी, उनकी टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, सबको, कि उन्होंने इस वीक की सेलिब्रेशन में किसी तौर से भी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी सपोर्ट भी थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उस सब के लिए मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद दी, आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज यहाँ आके पास सल्लम की सीरत के हवाले से इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया, साथ ही साथ बच्चों के हवाले से तकसीम इनामात का इसी मौके की मुनासबत का फ़ायदा उठाते हुए एक अहतमाम किया। साथ ही साथ आने वाले जितने भी मेहमानों ने ग्रामी है इस प्रोग्राम में जितने भी शामिल हुए, आके पास सल्लम की सीरत का जिक्र है तो इसका सवाब भी हमें यहाँ ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। आका की सीरत की मुनासबत से एक छोटा सा पैगाम वो यही कि आके पास सल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए मिशन रहा है, और मामलात पे जो उनका ज़ोर था, अगर हम मामलात पे ज़ोर देंगे, मामलात हमारे ठीक रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि सारा जो है वो मामला हमारा पाकिस्तान एज ए कंट्री, इस माशरे के जितने भी मसाइल हैं वो अगर हम मामलात पे तवज्जो देंगे तो वो ठीक रहेंगे। आके पास सल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए मिशन रहा है, और ये हफ्ता जो हम मना रहे हैं उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि आका की ज़िंदगी के जितने भी गोशे हैं वो निखर के सामने आए, उनको हम डिस्कस करें, उनको हम बयान करें, उनसे इंस्पिरेशन लें। दूसरा, जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं मैं आपको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जितने भी उनके असातिज़ा हैं ख़ास करके तहे दिल से उनको मुबारकबाद, और ये उन्हीं की मेहनतों का समर है कि ये बच्चे आज यहाँ ये इनाम लेंगे, और यही वो मामार हैं जो इन बच्चों को उनकी तरबियत करते हैं, उनकी शख्सियत में जो क्वालिटीज़ होते हैं वो जिस तरह एक इमारत में ईंटें लग रही होती हैं तो इसी तरह उस्ताद बच्चों की शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की ईंटें लगा रहे होते हैं, और आहिस्ता 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 एक खूबसूरत इंसान जो है वो परवान चढ़ता है। मेरी तमाम असातिज़ा के लिए भी तहे दिल से दुआएँ हैं कि वो इसी तरह ज़ोरों शोर से और मेहनत से अपने काम को आगे जारी रखें। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब इजाज़ आलम साहब और डीपीओ कोड़ा जनाब, यकीनन वो रहमतुल आलमीन है और कायनात में रहमतों का वो सिलसिला लेके आए जो अजल से ताबत जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा का नाम जो है वो रोशन सितारे की तरह जगमगा के तशरीफ लाए। मैं इन असातिज़ा को, इन बच्चों को और अपने पूरे डिपार्टमेंट को मुबारक है, और मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई ये समझ लें कि ये मेरे लिए बड़ी बात है, इत्मीनान बात है। मैं अभी बच्चे से बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हौसला अफजाई की, ये हमारा फख्र है। ये बच्चे एफका की बॉडी का शक्कर सुर सदू सदर एफका का साहब, सर आपको बड़ी मुबारक है, आप तशरीफ लाए। हसन रजा जी सर, बहुत शुक्रिया सर, दशी प्रदीप बस ला लेती